5/1660 सुपर का रिग बनाने के लिए। सो यार पर कार्ड तुम्हें जैसे कि पता 31 मेगाहर्ट्ज देता। हेलो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हो मानिक माइनर्स। आज के वीडियो में हम आए हैं 5/1660 सुपर का रिग बनाने के लिए। सो यार पर कार्ड तुम्हें जैसे कि पता 31 मेगाहर्ट्ज देता, टोटल इनटू 5 करोगे 155 to 160 मेगाहर्ट्ज देगा। जल्दी से जल्दी कंपोनेंट्स एंड प्राइसिंग कवर अप करते हैं और रिग बिल्ड करते हैं, और इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी मैं बीच में डालने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो देखना और स्किप मत करना गाइस। दिस इज गोना बी अमेजिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, लेट्स गो। सो वी आर गोना स्टार्ट दिस सेशन लाइक दिस, लेट्स गो मानिक माइनर्स। सो हमारा जो 1660 सुपर का ज़ोटेक का गेमिंग कार्ड है, ज़ोटेक क्यों, क्योंकि 3+2 ईयर्स का वारंटी है इसमें और ये हमें पड़ा है अराउंड 51 to 52 thousand के बीच में। सो दिस इज आर 5 ज़ोटेक का कार्ड, जहाँ पे तुम देख सकते हो 1,00,000, 2,00,000, 2,50,000 बस हमारा इस पर खर्च हुआ है। फिर उसके बाद जाते हैं हमारे राइजन 3 2200G, ये हमें पड़ा है अराउंड 12,000 rupees फॉर दिस प्रोसेसर। बहुत महंगा हो गया ये प्रोसेसर भी। अब इसके साथ जाते हैं हमारे डीप कूल SMPS 850W, वी गॉट दिस फॉर 9,300। और देखो यार हर एक वीडियो में मैं NVMe बोलता हूँ, दिस इज नॉट NVMe, दिस इज M.2, आई एम सो सॉरी, मिस्टेक्स टू बी करेक्टेड। M.2 हमें मिला है अराउंड 2,000 rupees फॉर 120 GB, और यही रीज़न है M.2 हम लोग यूज़ करते हैं ये मदरबोर्ड पे, इसलिए M.2 के जगह NVMe होता है जिसमें 4 लेन होता है तो डिसेबल हो जाता है। सो हमारा रैम 4 GB DDR4 विच इज अराउंड 2,000 rupees, एंड इन दी मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड हमें कॉस्ट किया अराउंड 8,000 rupees B450 Pro, जो ASRock B450 है सेम वैसा ही है, बट इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें 8 GB नहीं है। सो 1,500 रुपये वहाँ पे कहीं ना कहीं पे कट कॉस्ट हो जाता है। ये तो कवर हो गए, हमारा नेक्स्ट राउंड का डिस्प्ले, सारे डिस्प्ले एक ही है, कवर चेंज होके आता है बस। ये 3,000 रुपये का केबल्स, 200 rupees फॉर Cat6 केबल 5 मीटर, हमारा 150 rupees का HDMI, एंड देन हमारे प्यारे राइजर्स वर्जन 9 हमें पड़े हैं 950 rupees के, ये भी यार फ्लक्चुएटिंग है। सो अभी हमें 950 rupees का पड़ा है, गुड राइजर्स। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। सो यार ये रिग बिल्ड में हमारा टोटल खर्चा हुआ अराउंड 3,02,000 rupees, 3,07,00,000 टू बी एग्जैक्ट, एंड हमारा टोटल मेगाहर्ट्ज जो अचीव होने वाला है 155 to 160 मेगाहर्ट्ज। एंड एक और इंपॉर्टेंट नोट गाइस, स्कैमर का तो ठीक है, हम लोग फाइनेंशियली एडवाइस नहीं करते माइनिंग में घुसो, बिकॉज इट इज़ एक्सट्रीमली रिस्की। लॉन्ग पोजिशन होल्ड कर रहे हो तो एक बार का सोच सकते हो, वरना नहीं। पीपल हु आर ब्लेमिंग अस गाइस, वी डोंट एडवाइज यू गाइस, अगर तुम करना चाहते हो एज ए शौक के लिए तो ठीक है, कमाई के हिसाब से इट इज नॉट एडवाइजेबल, वेरी रिस्की फील। बाकी बातें बाद में, लेट्स गो बिल्ड दिस अप, लेट्स गो गाइस। इस बार रिग बिल्डिंग में हम लोग हार्डवेयर सेटअप नहीं बताने वाले, बिकॉज मेरे प्रीवियस वीडियो जाके देखो, मैंने हर एक में हार्डवेयर सेटअप बताया। सो यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बारे में, बेसिक सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मैंने बेसिकली थोड़ा बायोस में चेंजेस किया, 4G डिकोडिंग एनेबल, CSM डिसेबल, विंडोज इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे मैंने जो भी बेसिक चीज़ है माइनिंग रन करने के लिए वो किया, वर्चुअल मेमोरी बढ़ाया। वर्चुअल मेमोरी कैसे बढ़ाते हैं, जितने ग्राफिक कार्ड्स है इनटू जितना भी मेमोरी है पर ग्राफिक कार्ड 6 GB, 5 × 6 GB उतना मैंने वर्चुअल मेमोरी बढ़ाया। साथ ही साथ टीम व्यूअर, MSI आफ्टरबर्नर, GPU Z, साथ ही साथ T-Rex माइनर और हमारा जो भी लेटेस्ट ड्राइवर है वो इंस्टॉल करने के बाद हमारा ये सेटअप रेडी हो चुका है और कार्ड्स डिटेक्ट हो गए, चलो माइनिंग रन करते हैं। क्लासिक का माइनिंग रिग स्टेबल होने की कदार पे ऑलमोस्ट ये अच्छा खासा स्टेबल हो गया है, ये जल्दी ही शिप होगा हमारा MP ग्वालियर, और ये भी MP ग्वालियर का ही है, ये योगेश भाई का है और ये आयुष भाई का है। तो यार हम लोग ने 5/1660 सुपर के साथ, हम लोग ने जैसे एस्टिमेट बोला था 31 मेगाहर्ट्ज के हिसाब से अगर हमें मिला तो 155 से लेकर 160 तक मेगाहर्ट्ज मिलेगा। सो राउंड अबाउट उतना ही हमें मिला है, लेट मी शो यू, 158 मेगाहर्ट्ज, पावर कंजम्पशन 399 वॉट्स, जो कि प्लस 100 करेंगे तो मदरबोर्ड अराउंड 500 वॉट का पावर कंजम्पशन है। इस ये भी माइनिंग रिग पेंट नहीं हुआ, पेंट होने के बाद और प्यारा लगेगा। सारे हमारे पांचों कार्ड ज़ोटेक के अच्छा चल रहा है, इसमें एक और कार्ड ऐड हो सकता है, 850 वॉट में हम लोग ने पावर डिस्ट्रीब्यूट करके ऐसा यूज़ किया है और इट इज़ रनिंग स्मूथ। सो दिस इज इट गाइस, का प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं साल भर का और मंथ डे साल भर वीक जो भी है सबका, लेट्स गो। जब प्रॉफिटेबिलिटी पे आते हैं, अब इसके लिए मैंने क्रिप्टो कंपेयर का प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर लिया है इथेरियम का। इसमें हम लोग ने बेसिकली हमारे वैल्यूज इनपुट किए, जो हमारा हैशिंग पावर है 158 मेगा हैश, और उसके साथ ही साथ पावर कंजम्पशन 500 वॉट, 400+100 हमारे मदरबोर्ड का, और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पर स्टेट वैरी करता है। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ना के बराबर है, लाइक जीरो है, कुछ कुछ लोगों ने मेरे को बताया कि कार्तिक भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जीरो है, तो उस
मोमेंट में हमारा क्या सीन होने वाला है, क्या हमारे साथ मतलब प्रॉफिट हमारा इंक्रीज होगा क्या होगा। यस, आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। कैसे? मतलब आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आता है पर ईयर का, वो आपको पूरा ही प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, बिकॉज आपको कुछ पे नहीं करना इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ पे तुम प्रॉफिट्स देख सकते हो स्क्रीन पे। अभी मैं तुम्हें इंडियन रुपीज में डायरेक्टली एक बार में बता दूंगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो $60, $50, $218 और साल का $2,650। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप सोच रहे हो यार ये तो कम है। अभी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 2 साल के कदार पे आ गया, लाइक खिंच गया है। वो रीजन क्यों है? अभी हमारा इथेरियम जो है वो 150,000 पे ट्रेड कर रहा है, 150,000 पे आ चुका है। अगर यही इथेरियम 150,000 के जगह 300,000 चले आएगा, सो ये भी समझो कि ये जो प्रॉफिट है ये हमारे पास माइन होके इथेरियम इतना रहने वाला है। अगर हम इसको होल्ड करते हैं और इथेरियम 300,000 जाता है, और अगर हम सेल करते हैं तो समझ लो प्रॉफिट भी डबल होने वाला है। या फिर और होल्ड करते हैं और इथेरियम 2 के जगह 3, 3 के जगह 6, 6 के जगह 10, जितना भी लाख ऊपर जाएगा उतना हमें प्रॉफिट ज़्यादा होते रहेगा। अब ये जो चीज़ है ये उल्टी भी हो सकती है। अगर इथेरियम 1,50,000 से 1,00,000 चला जाए तो तुम माइनस में भी जा सकते हो, ये भी समझो। सो यहाँ पे तुमने तो प्रॉफिट्स पर ईयर के हिसाब से सब इंडियन रुपीज़ में देख ही सकते हो। अभी 265, अभी तुम्हें प्रॉफिट निकालना है तो बेसिकली जो वैल्यू दिखाता है उसको इंटू 75 करना। सो हमने इन्वेस्ट अराउंड 3,00,000 रुपए किए हैं इस पूरे माइनिंग रिग में, और हमें इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न 2,00,000 रुपए दिखा रहा है साल भर का। इतना बुरा भी नहीं है, मतलब यार ठीक है, बट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैंने बोला है जिसको जल्दी से जल्दी निकालना है वो माइनिंग में घुसो ही मत, जिसको लॉन्ग टर्म खेलना है वही घुसो, उनके लिए बढ़िया गेम है ये। बिकॉज लॉन्ग टर्म में कैसा होता है, अब ये 2,00,000 रुपए का इथेरियम आज 2,00,000 रुपए का प्रॉफिट बता रहा है, बट इसको ही तुम होल्ड करके रखते हो तुम्हारे पास 1.82 इथेरियम जैसे कि तुम स्क्रीन पे देख रहे हो वो तुम्हें माइन होके मिलता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी आज के टाइम पे 1.82 इथेरियम है, 1 साल बाद माइनिंग करने के बाद। अब ये भी फ्लक्चुएटिंग है, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। इफ सपोज 1.8 इथेरियम है, अभी 1,50,000 के हिसाब से 2,00,000 रुपए मिल रहे हैं, बट ये ऑल टाइम हाई इसका 3,40,000, 3,60,000 था। तो अगर एटलीस्ट ये 3,00,000 भी जाता है और मे बी ऑल टाइम हाई अगर बनाता है, सो समझ लो अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम करने का टेक्निक यही है कि यार इथेरियम होल्ड करना पड़ेगा। अब तुम स्क्रीन पे देख सकते हो 1.82 इथेरियम 2,00,000 रुपए अभी दिखा रहा है आज के टाइम पे, बट यही इथेरियम अगर हम 3,00,000 पे बेचे, मैंने ऑल टाइम हाई नहीं लिया है, मैंने कम ही लिया है, 3,60,000, 3,40,000, 3,50,000 के जगह मैंने 3,00,000 रुपए लिए। सो इसको अगर हम होल्ड करते हैं, अगर हमारे पास माइन होता है 1.82 इथेरियम, अगर इसको हम होल्ड करते हैं 1.5-2 साल, अगर इथेरियम वापस 3,00,000 टच करता है एंड वी सेल इट ऑफ इन 3,00,000, तो 3,00,000 पे कैसा हमें 5,50,000 के आसपास मिलेगा। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जब हम होल्ड करेंगे तो क्या होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 6-7 months हो जाएगा। सो माइनिंग में गेम ही ये है कि होल्ड करना आना चाहिए, दैट्स इट। अब तुम देखो यार यही चीज़ अगर ये हमारा 1,00,000 रुपये चला गया इथेरियम, वर्स्ट सिनेरियो, सो 1,00,000 में क्या होगा, 1.82 इथेरियम इंटू 1,00,000 करोगे तो 1,80,000 समझ लो उतना ही आएगा, सिंपल मैथ्स, इसमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अब देखो पावर कॉस्ट, ये हमारा प्रॉफिट मैंने बता दिया, और अभी के हिसाब से कम प्रॉफिट हो रहा है, अभी प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए तो क्या करना है, होल्ड करना है एंड इसको हाई पे सेल करना है। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में ऊपर ही जाएगा, ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, मे बी ऊपर जाए मे बी नीचे जाए, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस भी नहीं है। जस्ट बिकॉज बाद में तुम ब्लेम कर सकते हो मेरे पे कि आई सजेस्टेड यू टू गो इनटू माइनिंग एंड माइन करो, सो इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट इट्स काइंड ऑफ बेसिक मैं नॉलेज देना चाहता हूँ कि मेरे पास जो नॉलेज है मैं शेयर करना चाहता हूँ। सो ये लो भी जा सकता है, पॉजिटिव भी जा सकता है, नेगेटिव भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो मैंने जैसे बताया लो भी जाएगा तो 1,80,000, उससे भी नीचे जा सकता है अगर इथेरियम का प्राइस और गिरे, और ऊपर भी जा सकता है अगर 3,00,000 के ऊपर जाए तो 5,50,000 की जगह और भी प्रॉफिट हो सकता है। अब प्रॉफिट लॉस की तो बात कर ली, हमारा आज के टाइम पे क्या प्रॉफिट हो रहा है, साथ ही साथ माइंड पर ईयर क्या हो रहा है। अब पावर कॉस्ट की बात करते हैं। पावर कॉस्ट में डायरेक्ट साल का इसलिए कैलकुलेट करता हूँ, दी रीज़न बीइंग हमारे पास जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट है ये तो फ्लक्चुएटिंग है, बट हमारा जो ये पावर कंजम्पशन है, पावर कंजम्पशन सेम रहता है, ये ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग नहीं रहता। सो $525 इंटू 75, तो इंडियन रुपीज़ में हम देखना चाहते हैं, सो बेसिकली 40,000 रुपये हमारा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आएगा पूरे साल का योगेश भाई के माइनिंग रिग में। और ये जो है ये प्रॉफिट में निकालने के बाद है, मतलब ये जो $2,650 का जो प्रॉफिट है ये प्योर प्रॉफिट है, इसमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है, निकालने के बाद ही हमारा प्रॉफिट है। सो दैट्स इट गाइस, प्रॉफिट लॉस हर एक चीज़ की बात हो गई। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बी अलर्ट ऑफ स्कैमर्स एंड मैनिक माइनर्स के चैनल को पूरी तरह से सपोर्ट करो, लेट्स ग्रो। एंड मैनिक ओरिजिनल्स भी आने वाला है जल्दी ही, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम इंस्टाग्राम फलाना ढिकलाना सबका, सो जाके सपोर्ट करो। सी यू गाइस, पीस आउट, बाय बाय।